अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं और आगे शेयर करते हैं, जज़ाकअल्लाह। और जो दोस्त अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनसे गुजारिश है कि इसको लाइक करें और शेयर करें और घंटी के बटन को भी प्रेस करें। हो सकता है ये वीडियो या आने वाली वीडियो आपके शेयर करने से किसी और के काम आ जाए, किसी और का फ़ायदा हो जाए। थैंक यू। तो आजकल यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत चर्चा है, बहुत ज़्यादा वीज़े इशू हो रहे हैं, दैट इज़ ट्रू, इसमें कुछ शक नहीं है। इस पर वीडियो में जो मुझे बनानी है आज शाम को, लेकिन पहले एक और जो ज़रूरी ख़बर थी वो आप तक पहुंचानी थी, वो है माल्टा के बारे में। चूंकि यूरोपियन कंट्री में डेफिनेटली वो, और माल्टा के वीज़े आज से पहले तक बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उसको अप्लाई कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बैड लक ये है कि अभी माल्टा के वीज़े काफ़ी हद तक स्लो हो गए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है काम उसका, ऐसा कोई कंट्री नहीं होता कि वो उसकी रिक्वायरमेंट फुली तौर पे जो है वो कंप्लीट हो जाए या ख़त्म हो जाए। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि चूंकि यूरोपियन कंट्री में से ये माल्टा ही वो वाहद कंट्री था जिसने कोरोना की वजह से वीज़े ओपन किए और बहुत सारे लोगों को अपने कंट्री में बुलाया, उनको रोज़गार दिया। तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, जो उनकी ज़रूरत थी, जो एक लिमिट थी, वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। चूंकि कोरोना की वजह से पूरा यूरोप भी बंद था, पूरी दुनिया बंद थी, हमारा एशिया भी पूरा बंद था, तो कोरोना के बाद जिस तरह बहुत सारी दुनिया, जैसे सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में बहुत सारी दुनिया जो है वो दुबई में आ गई थी, तो जो ही लोग यहाँ पे इंटर हुए हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले लोग, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनको जॉब मिल गई, काफ़ी हद तक लोगों को सहारा मिल गया, जॉब्स वगैरह मिल गई। लेकिन जो ही जनवरी स्टार्ट हुआ है तो उसका प्रोसेस काफ़ी स्लो हो गया। उसके बाद फरवरी तो बिल्कुल डेड होने के बराबर था, क्योंकि बहुत कम जॉब्स बाकी थी, लोगों को मिलती रहती हैं जॉब्स, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे कोरोना में था ऐसा, यस, बट उसके बाद जॉब्स तो इक्का दुक्का वो मिलती रहती हैं, लेकिन जो एक ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। इसी तरह माल्टा ने जो है सबसे पहले वो वीज़े ओपन किए, बहुत सारी दुनिया वहाँ पे गई, बहुत सारे लोग गए जो इंटरेस्टेड थे कैंडिडेट, कुछ लोगों ने खुद ऑनलाइन अप्लाई किया, कुछ लोगों ने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया। तो अभी लास्ट वीक में ही हमारा एक कोलीग वहाँ पे वो पहुँचा है, तो वो बता रहा है कि यहाँ पर यानी कि माल्टा में अभी काम की वो पोजीशन या वो सिचुएशन नहीं है जो पहले थी या जो हमें बता के यहाँ पे भेजा गया था। वो एज ए बस ड्राइवर गया है, ड्राइवर तो यानी कि ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन अभी वो वाली सिचुएशन नहीं है, तो उससे बेहतर है कि हम माल्टा का जो है रुझान छोड़ें। और बाकी बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें पोलैंड है, पोलैंड में बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। इसी तरह पुर्तगाल है जो ऑलरेडी वो जॉब सीकर वीज़ा जो है वो इशू कर चुका है। इसके बाद रोमानिया है, उसके बाद जर्मनी है, स्पेन है, डेनमार्क भी जो है वो अनाउंसमेंट कर रहा है। तो मेरी गुजारिश है उन दोस्तों से कि अगर तो ऑनलाइन वीज़ा मिल रहा है माल्टा का, तो डेफिनेटली उसको अप्रोच करें और जाएं। लेकिन अगर ऑनलाइन आपको कोई वर्क पर ऑफ़र लेटर वगैरह नहीं मिल रहा, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट ना करें, बेहतर है किसी अच्छे कंसल्टेंट से कॉन्टेक्ट करें और पोलैंड का, रोमानिया का, जर्मनी का, स्पेन का, इन कंट्रीज़ का जो है वीज़ा ले लें। ये भी परमानेंट या फॉर एवर तो अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पर भी एक लिमिटेशन है। जैसे पुर्तगाल ने 85,000 पीपल के लिए वो जॉब सीकर वीज़ा निकाला है, जब 85,000 हो जाएंगे या थोड़े बहुत इससे ऊपर नीचे होंगे, तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी भी कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह पोलैंड है, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर चाहिए, तो जो लोग फर्स्ट में अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका 3 माह 4 माह 6 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन जो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि एक ही कंट्री जैसे माल्टा है वहाँ पर ही जाना है, तो फिर उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर किसी की फैमिली है, किसी के कोई रिलेटिव हैं, फिर तो डेफिनेटली उसको वेट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ काम के सिलसिले में जाना है, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है
कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, बेहतर है कि वो किसी और कंट्री का, यूरोपियन कंट्री का माइंड बनाएं और कंसल्टेंट से रबता करके अपनी फ़ाइल को ओपन करा लें। तो दुआ में याद रखिए, और एक बार फिर गुजारिश है कि इस वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, तो ताकि आइंदा भी और भी मैं जो है वीडियोज़ वो बनाता रहूँ और आप लोगों का फ़ायदा होता रहे। थैंक यू वेरी मच।